हेलो फ्रेंड्स, आई एम निष्ठा पटेल एंड यू आर वाचिंग निशार्थ आर्ट। आज हम बनाएंगे फ्रेग्रेंस कैंडल, जिसे सेंटो कैंडल्स भी बोलते हैं। ये बबल कैंडल्स है और दूसरा जो ग्लास बॉटल में कैंडल्स आता है वो है। तो दिवाली के लिए हम अपने घर पे ही कैंडल्स भी बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैंडल्स बनाना। सबसे पहले हमें इस तरह का स्टील का एक कप जैसा बीकर चाहिए, एक थर्मोमीटर, आप कोई भी सा थर्मोमीटर ले सकते हैं। अब हम सोया वैक्स ले लेंगे। सोया वैक्स सबसे अच्छा होता है फ्रेग्रेंस एब्जॉर्व करने के लिए, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस है, वो मैं ले रही हूँ। रोज़ है, एक्वा है, वनीला है एंड एक गार्डन फ्रेग्रेंस है। कॉटन विक्स है ये मेरे पास, हमें कैंडल बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। आप चाहे तो थ्रेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये मोल्ड है, सिलिकॉन मोल्ड बबल वाला। एक स्पून है मिक्स करने के लिए फ्रेग्रेंस और वैक्स को। ये मेरे पास कुछ क्रेयॉन्स हैं, हमें कलर वाले कैंडल्स बनाने हो तो हम क्रेयॉन्स का यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास ड्राई रोज़ेस हैं और ये कुछ ग्लास बॉटल्स है कैंडल्स बनाने के लिए। सबसे पहले हमारा वैक्स कैंडल बनाने का जो बीकर है उसको हम गैस के ऊपर रख देंगे। उसमें हम सोया वैक्स डाल देंगे। हमें जितने अमाउंट में कैंडल बनाना है उतना सोया वैक्स डाल देंगे। अगर आपको डिफरेंट कलर्स का बनाना है कैंडल तो हम पहले सभी कैंडल वैक्स को मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद हम उसमें कलर ऐड कर लेंगे। जब हमारा वैक्स अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम उसमें थर्मोमीटर ऐड कर देंगे। थर्मोमीटर में 150 टेम्परेचर हो जाए तब हम गैस बंद कर लेंगे और उसको नीचे उतार के जब तक 120 टेम्परेचर आता है उससे पहले हमें फ्रेग्रेंस ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने 10 से 15 ड्रॉप्स फ्रेग्रेंस का डाला है। आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस अच्छी लगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और आपको माइल्ड फ्रेग्रेंस चाहिए तो कम भी डाल सकते हैं। अब जब तक 100 टेम्परेचर आए तब तक हम इसको कंटिन्यू स्टर करेंगे और हमारा जो गैस है वो ऑफ़ कर देंगे। अब मेल्टिंग प्रोसेस के बीच में मैंने थोड़ा सा क्रेयॉन इसमें डाल दिया है। आपको जो कलर का हमारा कैंडल चाहिए उस कलर का क्रेयॉन आप ऐड कर सकते हैं कलर के लिए। अब हम सिलिकॉन मोल्ड को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो नीचे की साइड पे सिलिकॉन मैट भी लगा सकते हैं, पर मैं नहीं लगा रही हूँ। अब हम मोल्ड के बीच में कॉटन विक को हम फिक्स कर देंगे अच्छे से। आप चाहे तो नीचे स्टिक भी कर सकते हैं। अब हमारा वैक्स का टेम्परेचर 120 आ गया है। आप चाहे तो 120 से लेके 100 टेम्परेचर तक आपको मोल्ड में पोर कर देना है। फिर वैक्स जो हमने मेल्ट किया है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू कर देगा तो फिर वो अच्छे से शेप नहीं लेगा। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच से भी कम क्रेयॉन डाला है कलर के लिए। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्राइट कलर आया है। ये जो ठंडा होने के बाद इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। अब मैं कॉटन विक के ऊपर जो स्टैंड है वो लगा दूंगी जिससे वो सेंटर में रहे। आप चाहे तो टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ग्लास बॉटल वाला कैंडल बनाएंगे। उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि 100 टेम्परेचर हो जाए उसके बाद ही हम ग्लास बॉटल में वैक्स को पोर करेंगे। ज़्यादा गर्म होगा तो ग्लास क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा ग्लास। ये मेल्टिंग प्रोसेस सेम है, मैंने इसमें थोड़ा सा पिंक कलर ऐड किया है और इसमें फ्रेग्रेंस मैंने रोज़ वाला डाला है। अब इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तब मैं इसको ग्लास बॉटल में पोर करूँगी, पर उसके पहले हम कॉटन वीट को इसके अंदर फिक्स कर देंगे। Thank you.
इसको भी हम बबल कैंडल की जैसे स्टैंड लगा देंगे। ये अच्छे से फिक्स हो जाए, उसके बाद मैंने जब ये गर्म था तभी उसके ऊपर ड्राई रोज़ेस डाल दिए थे। ये हमारा बबल कैंडल सूख कर रेडी हो गया है, अब हम इसको मोल्ड में से निकाल देंगे। अब जो हमारा रोज़ पेटल वाला कैंडल था जो ग्लास बॉटल में था वो भी सूख गया है अच्छे से। इसको हम बाहर के साइड से डेकोरेट कर देंगे। सबसे पहले हम उसका ढक्कन लगा देंगे, अच्छे से टाइट कर लेंगे जिससे ये अच्छे से कवर हो जाए। मैंने यहाँ पे पिंक रिबन से बो बना दिया है एक। अब मैं जो बो बनाया उसके बीच में जूट का ये एक थ्रेड है मेरे पास, वो मैं हॉट ग्लू की मदद से लगा दूंगी। ये मेरे पास फोम शीट के फ्लावर्स है, ये मैंने घर पे ही बनाए हैं। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं ये वीडियो, ये फ्लावर्स कैसे बनते हैं। और अगर आपको फिर से सीखना है, इसका पूरा बंच मैंने भी बनाया है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीखने हैं, तो मैं ज़रूर इसका पूरा बंच बना के वीडियो भेज दूँगी। अब हम इसके बीच में हॉट ग्लू डाल देंगे और उसके ऊपर थोड़े पर्ल्स डाल देंगे स्मॉल साइज़ के, जिससे ये थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखे। ये बॉटल हमारा दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसके ढक्कन पे थोड़ा और डेकोरेशन कर देंगे। सबसे पहले हॉट ग्लू लगा देंगे और उसके बाद जो हमने नीचे फोम शीट के फ्लावर्स लगाए हैं वो ही तीन फ्लावर का बंच इसके ऊपर लगा देंगे। रिबन लीव्स हैं छोटे वाले, वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। नीचे हमने पर्ल्स लगाए थे उसी तरह हम ऊपर भी लगा देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा बॉटल कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद का फ्रेग्रेंस भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे सारे कैंडल्स बनकर रेडी हो गए हैं। आप घर पे ही दिवाली के लिए कैंडल्स बना सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।